हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करेंगे एक फरारी कार जो कि होगी बहुत ही ज़बरदस्त, जिसकी लोग आपने थंबनेल में देखी होगी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ और गेम प्ले की वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं आपको कार विजिट कराता हूँ कि वो कार दिखती कैसी है GT5 के अंदर। तो हम आ चुके हैं अपनी GT5 के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये रही हमारी फरारी कार, कितनी ज़बरदस्त लुक दे रही है और ये चलने में भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और अपने जो गेम प्ले, जो बंदा इसको खेल रहा होता है, जो इसको चला रहा होता है, उसको काफ़ी ज़बरदस्त अमेजिंग मतलब उसको लगता है गेम प्ले और GT5 खेलने में और भी मज़ा आता है। तो आप देख सकते हैं ये कार का चलने में भी, देखने में भी और अपनी लुक के साथ। अभी मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कार चलाने में, लेकिन मतलब काफ़ी अच्छी कार है। तो चलो अभी बगैर किसी देर के इसकी इंस्टॉलेशन स्टेप पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं सारे इंस्टॉलेशन स्टेप बताऊँगा, गौर से देखना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और लाइक लाजमी करना है। तो सबसे पहले आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। आपने सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है ये फरारी की ये फाइल। आप डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद ही आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं फरारी की ये जो फाइल है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने ओपन आईवी में आ जाना है। ओपन आईवी में आने के बाद अपना ओपन आईवी इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर एडिट मोड को, तो सिंपली मोड्स में जाना है। मोड्स में जाने के बाद अपडेट्स में जाना है। 64-bit DLC पैक में जाके आपने रुक जाना है। आपने जो फाइल डाउनलोड किया है वो ऐसे विनरार की शक्ल में होगी, आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करते ही आपके पास एक और फाइल शो हो जाएगी। मैंने ये यहाँ पर डेस्कटॉप पे फाइल रखी हुई है ताकि आपको समझ आ सके। तो ये वाली फाइल जो है हमने ओपन करनी है, जो एक्सट्रैक्ट कर लिया है हमने, और यहाँ पर फरारी डायटोना की SP3 वाली फाइल आ जाएगी, इसको ओपन करना है। ओपन करते ही यहाँ पर नीचे फरारी डायटोना SP3 SP वाली जो फाइल है इसको ओपन करना है। और यहाँ से सिंपली ये वाली जो फाइल है फरारी SP3 ये वाली फाइल जो है यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है अपनी मेन जो यहाँ पर आपने ओपन आईवी में खोल रखा है, ये वाली जगह खोल रखी है, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करते ही आपने यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आते ही आपको अपने ओपन आईवी में जाना है। ओपन आईवी में जाने के बाद यहाँ पर आपने बिल्कुल बैक आ जाना है मोड्स पर। मोड्स पर बाद अपडेट्स में जाना है। अपडेट में जाने के बाद यहाँ पर अपडेट RPF में कॉमन में जाना है। कॉमन में जाने के बाद डेटा में, और यहाँ पर आपको नीचे DLC XML वाली फाइल नज़र आएगी। यहाँ पर आपको इसने एडिट मोड में ऑन कर लेना है। एडिट मोड में ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपने एक ये वाली जो सबसे लास्ट में जो फाइल होगी इसको यहाँ पर दोबारा से कॉपी करके यहीं पर ही पेश कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर ये वाली फाइल आपने कॉपी करके पेश कर देना है। ऐसे ही दोबारा से आपने अपने जो डाउनलोड जहाँ पर आपने फाइल कर रखी है वहाँ पर जाना है और रीडमी में जाना है। रीडमी में जाते ही आपको स्क्रॉल करना है और नीचे ये वाली जो फाइल है, ये वाली जो लाइन है, इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद और जहाँ आपने ये वाली जो एडिट वाली फाइल ओपन कर रखी है XML वाली फाइल, ये जो एडिट पर आपको मैंने बताया ओपन कर रखी है, यहाँ पर आपने ये जो यहाँ पर जो भी फाइल होगी, जो भी नेम होगा इन दो ब्रैकेट्स के अंदर, इनको रिमूव कर देना है। और यहाँ पर सिंपली ये जो आपने फाइल वहाँ से कॉपी की थी, मेरी कॉपी हुई नहीं है, मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ वहाँ पर जाके। तो ये वाली जो फाइल थी ये वाली, ये फरारी वाली ये फाइल आ चुकी है मेरे पास, ये वाली फाइल, ये आपने यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली पेस्ट कर देनी है नीचे। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपके पास ये वाली जो फरारी वाली फाइल है ये आ जाएगी। तो आपने यहाँ से सिंपली इसको सेव कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली सेव पर क्लिक करना है और यहाँ से सेव कर देना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मैं दोबारा इसको नहीं करूँगा। आपने यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ से फिर दोबारा से सारी चीज़ें ख़त्म कर दे, ओपन आईवी को ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद अपने दोबारा से गेम प्ले में चले जाना है। अपनी GTA 5 के अंदर आने के बाद आपने जो F8 को प्रेस करना है। F8 को प्रेस करने के बाद आपने दोबारा से
व्हीकल ऑप्शन पे जाना है, व्हीकल स्पॉनर पे जाना है, फिर सुपर्स में जाना है, और यहाँ पर आपने जो वो फाइल ऐड किया है उसको एंटर करना है। वो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, आपके पास हो सकता है फर्स्ट नंबर पर आ जाए, हो सकता है नीचे आ जाए, मेरे पास यहाँ पर आई है एफ यू आर ए आई के नाम से ये फाइल आई है, इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारी फरारी जो है एड ऑन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक और सब कुछ मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टेप बहुत इजी लगे होंगे और आसानी से अपनी जो फरारी कार है वो अपनी जी टी 5 के अंदर ऐड कर ली होगी। मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त।